दरभंगा के विभिन्न पीडीएस दुकानों में भारत सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अवर सचिव राजेश कुमार पांडे एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी विशाल चंद्र अग्रहरी के द्वारा दुमका नगर के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वितरण करने के तरीके, ई पॉश मशीन तथा इलेक्ट्रॉनिक काटा को देखा गया। कार्डधारी को ऑनलाइन अनाज वितरण करते समय व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। कार्डधारी से बातचीत की गई। जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा अधिकारियों के समक्ष यह बात रखी गई कि नेट कनेक्टिविटी में सुधार की आवश्यकता है। नेट कनेक्टिविटी समय पर नहीं मिलने के कारण सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे वितरण में कठिनाइयां होती है। इस पर अधिकारी द्वारा संज्ञान में लेने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दुमका सदर भी उपस्थित थे। जन सामान्य से भी ये फीडबैक ले रहे हैं, अगर जो भी यहाँ पर वितरण कार्य में हमारे सामने आते हैं कि उनको क्या कोई समस्या तो नहीं हो रही है और उनको अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या और उन्हें किन सुविधाओं की आवश्यकता है जिन्हें उचित दर दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है, तो राज्य शासन के अंतर्गत है। हम लोग ये देखने के लिए आए हैं कि इसमें और इस प्रणाली में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए, लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए, और क्या क्या सुधार किए जाने की जरूरत। दुमका से न्यूज विंग के लिए विजय तिवारी की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।